के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के बाद काले झंडे दिखाए गए, विरोध दर्ज कराया गया और काले झंडों के साथ अरविंद केजरीवाल का विरोध किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाने की खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाने के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए हैं। केजरीवाल की रैली में ये हंगामा हुआ है। जैतपुर इलाके में रैली करने पहुंचे थे सीएम अरविंद केजरीवाल, जहां सत्येंद्र जैन को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। केजरीवाल की रैली में हंगामा किया, आखिर मकसद क्या, हंगामे के जरिए किस तरह की राजनीति दिल्ली में की जा रही है, एक मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का मकसद क्या था, आखिर विरोध का मुद्दा क्या, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सत्येंद्र जैन भी वहां मौजूद थे, जिनको काले झंडे दिखाए गए। जैतपुर इलाके में यह रैली थी और जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, जिनको काले झंडे दिखाए गए। मैं सहयोगी राकेश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या मुद्दा था, वजह क्या थी काले झंडे दिखाने के पीछे, आखिर क्या मुद्दा ऐसा रहा जो अरविंद केजरीवाल का विरोध दर्ज किया गया? देखिए फाजिल, जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार ने, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो मतलब से जो वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं होते, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कच्ची कॉलोनियां थी वहां पर वो वादे नहीं पूरे होते। उस वजह से आज दिल्ली के जैतपुर में, जहां पर खुद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो पहुंचते हैं, साथ ही साथ सत्येंद्र जैन पहुंचते हैं। दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती और काले झंडे दिखाए, तो जाहिर सी बात है जो लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं एक बार फूट गया था। हालांकि यहाँ पर पुलिस की जो चौबंद थी और पुलिस ने जो व्यवस्था बना रखी थी, उसकी वजह से जो प्रदर्शनकारी थे उनको रोका गया, लेकिन जो मीडिया के कैमरे में सारी चीजें कैद हुई और मीडिया ने ये सामने लोगों ने बताया कि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जिस तरीके से जो वो सत्ता में आएंगे तो जो कच्ची कॉलोनियां अनिर्धारित कॉलोनियां हैं उनको पक्का किया जाएगा, साथ ही साथ जो भी यानी कि जो दिल्ली की समस्या उससे यानी कि दिल्ली वालों को निजात दी जाएगी, यानी कि समस्याओं को खत्म किया जाएगा। लेकिन उसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा था और जैतपुर इलाका जो बदरपुर के पास पड़ता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ा इलाका है जहाँ पर वोट बैंक काफी ज्यादा है और काफी तबके के लोग यानी कि हर तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं, और आज यहाँ पर एक कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था, जहाँ पर उद्घाटन समारोह था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन पहुंचे थे। एक उद्घाटन समारोह में ये लोग पहुंचे थे, लेकिन कुछ जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनका विरोध किया, साथ ही साथ इलाके के लोग, क्योंकि कुछ वहां पे इलाके के लोग भी थे जो वहां हमेशा रहा करते हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया, क्योंकि जिस तरीके से फाइनल जो वादे किए गए थे कि दिल्ली सरकार जो उनके लिए वो अनिर्धारित कॉलोनियां हैं उनको निर्धारित करेगी, लेकिन वो कॉलोनियां निर्धारित नहीं हुई और साथ ही साथ जो विकास होना चाहिए था दिल्ली का वो नहीं हुआ, उसके खिलाफ यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करेगी और साथ ही साथ उसको काले झंडे दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए।